आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच चल रहे श्रृंखला के बारे में। मैच का दूसरा मैच होने वाला हो चुका है और मैच का पूरा विश्लेषण भी अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं। सबसे पहले छोटा सा काम, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के दबाइए, इससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल नोटिस साइट पर जा सकते हैं जिसके लिंक आपको वीडियो पर चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं दोस्तों। पहला मैच जिसमें ग्रीन कैमरून ग्रीन और एडम जंपा की शानदार गेंदबाजी रही, उसके बाद से वार्नर स्मिथ और मैक्सवेल की जो बल्लेबाजी थी जिसने जिम्बाब्वे टीम का जो स्कोर था तो उसे 200 रन का उसको पूरी तरह से धराशायी करते हुए पहला वनडे मैच जीता। उसका दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलियन टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके से गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियन टीम ने की, स्टार्क 3 विकेट, ग्रीन 3 विकेट, जंपा 2 विकेट और ये जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है, ग्रीन 2 विकेट है, जंपा 3 विकेट है। आई थिंक आज ऑस्ट्रेलिया चिर परिचित अंजाम में अपने बॉलिंग अटैक के अनुरूप ही गेंदबाजी करती नजर आई और जिम्बाब्वे अपने उसी अंदाज में खेलती नजर आई। जिस तरकीब वो है, मैं ये कह सकता ऑस्ट्रेलिया के सामने जो प्रदर्शन जिम्बाब्वे टीम को होना चाहिए तो वो आज दिखा। लोएस्ट 96 रन बनाया जिम्बाब्वे ने। स्कोर बोर्ड का अगर मैं चर्चा कर लूँ आपसे, काया 2 रन पे स्टार्ट हुआ, बोल जो है मुरमुरानी को 4 रन पे स्टार्ट ने आउट किया, उसके बाद मदरवे को भी LBW स्टार्ट ने आउट किया। मदरवे पिछले मैच में 70+ का स्कोर किया था उन्होंने। उसके बाद इसमें सैन विलियम्स ने 29 रन बनाया, जंपा ने उनकी विकेट निकाली है, रजा 17 रन, हैजलवुड ने चकावा 10 रन, एगर ने विकेट निकाली है, मोंगिया 10 रन, नॉट मोंगा है 10 रन और उनकी विकेट, ग्रीन ने, जोंगवे बोल्ड बाय जंपा, ब्रैड इवंस 2 रन पर जंपा। गेंदबाजी जो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के हावी रही, स्टॉक 8 ओवर 1 मैडम 24 रन 3 विकेट, हैजलवुड 6 ओवर 2 मैडम 16 रन 1 विकेट, जंपा 3 ओवर 5 गेंद 17 रन 3 विकेट और ग्रीन 3 ओवर 7 रन 2 विकेट। आई थिंक पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक ने उन्हें एक पल का जिम्बाब्वे टीम को सांस लेने नहीं दिया और ये ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरीके से गेंदबाजी इस मैच में की है, आई थिंक इसी यही चीज हम सब देखना चाहते हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी, स्टार्क की शुरुआती 3 विकेट, उसके बाद एगर का विकेट, उसके बाद जंपा के 3 विकेट, ग्रीन के 2 विकेट, तो जिम्बाब्वे के लिए फुर्सत कहाँ थी कि वो रन बनाए। उस इवन होते वो सोचने की पोजीशन में भी नहीं थे कि यार कुछ देर रुके हैं क्या, उससे पहले तो उनकी विकेट निकल जा रही थी। और ये ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरीके से गेंदबाजी कर रही है ना श्रृंखला में, पहला मैच छोड़ दिया, पहले मैच में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी थी इसमें कोई शक नहीं है, और दूसरे मैच में आई थिंक ये हम सब देखना चाहते हैं। और इस पोजीशन पर जब जिम्बाब्वे के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दोस्तों थोड़ा मेहनत करो थोड़ा सा। आई थिंक आई नो स्टार्क के आगे, हैजलवुड के आगे, जंपा और ग्रीन के आगे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टफ समय है, गुजर जाएगा। अच्छा वक्त नहीं रहा आप लोगों का तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा और हार्ड वर्क करने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी और दमखम दिखाने की कोशिश कीजिए, समय अच्छा आएगा। तीसरा टेस्ट वनडे मैच काफ़ी अच्छा रहेगा। और 100 रन के पीछा करते समय ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 विकेट ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी गंवाए। आई थिंक ये बिग अचीवमेंट रही जिम्बाब्वे के लिए कि 100 रन पर 2 विकेटें भी निकाल दी। वार्नर और फिंच की विकेटें जो एंगारा ने 13 रन पर, वार्नर और फिंच 1 रन पर, वही सेम गलती फिंच कर रहे हैं हर बार। लेकिन तीसरे ओडिया मैच में देखना फिंच 150 का स्कोर करेंगे 101%, क्योंकि दो से तीन मैचेस लेते हैं लेकिन उसके बाद से फिर वो अपने एक अलग रुख बना लेते हैं और वहाँ से फिर वो स्कोर करना शुरू करते हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ दोनों मैचों में 40+ का स्कोर है, 47, इसमें भी एलेक्स कैरी इस मैच में 26 रन। तो इतना टफ नहीं था शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद, थोड़ा सा जिम्बाब्वे ने सोचा होगा कि यार हमने 17-18 रन पे 2 विकेट गिरा दिए हैं तो यहाँ से हम थोड़ा सा मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन 18 रन और 100 रन पे। और उसके बाद से स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को थोड़ा सा हल्के में नहीं लिया जा सकता। एलेक्स कैरी जिस तरीके का बल्लेबाज है, जिस तरीके का उनका खेलने का स्वभाव है, क्योंकि वो तेज क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं और देखभाल के भी खेलते हैं, लेकिन अधिकतर वो तेज क्रिकेट T20 हिसाब से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम उस पूरे मैच के दौरान डोमिनेटिंग पोजिशन पर रही, जिम्बाब्वे के ऊपर एक चाहे गेंदबाजी रही चाहे बल्लेबाजी रही, पूरी तरीके से उसने 14 ओवर में ही ये 100 रन का आंकड़ा पार करते हुए मैच जिता लिया। और कहने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस रहा स्पेशली, और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी के बारे में क्या कहूँ, कुछ ऐसा नया नहीं दिखा कि जिसके ऊपर मैं चर्चा कर सकूँ। स्टार्क की वही अनयूजुअल, हमेशा से वही सटीक गेंद, जो यॉर्कर लेंथ ज़्यादा यूज़ करते हैं,
जैम्पा का वो लैग ब्रेक जिस तरीके से ग्रीन अपने पहले से दूसरे मैच में और प्रभावशाली हो रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में टीम जिस तरीके से खेल रही है। लेकिन